हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पीसीबी से जो ये चार्जिंग कनेक्टर है वो किस प्रकार से निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके पास जो भी पीसीबी है उसमें आपको थोड़ा सा फ्लक्स डाल के चार्जिंग कनेक्टर पर पीछे की साइड में जो भी कनेक्टर आपको दिख रहे हो उस पर थोड़ा फ्लक्स डालना है और इसे जो डिसोल्डर वायर होता है उसके थ्रू जो भी यहाँ पर पीवीडी लगी होती है उसको निकाल लेना है। आपके पास जो भी आयरन हो उसका लगभग टेम्परेचर 300-350 के लगभग रहना चाहिए, जैसे कि चार्जिंग कनेक्टर के पीछे जितना भी पीवीडी लगा हो उसको सारे को निकाल लेना है इस डिसोल्डर वायर की मदद से। और यहाँ पर ये देख सकते हो लगभग पूरा हट चुका है। अब आगे की साइड में आपको क्या करना है, इसे हीट देकर आपको निकाल लेना है। मैं यहाँ पर इसको इसमें सेट करता हूँ पीसीबी में, और हीट को आपको लगभग 300-350 के लगभग रख लेनी है जिससे कि ये जल्दी से जल्दी निकल जाए। पर अगर आप हीट ज़्यादा रखते हो तो आपका हाथ भी बहुत जल्दी काम करना चाहिए। अगर आप धीरे धीरे काम करोगे तो फिर आपको ये बोर्ड भी आपका जल सकता है। जितनी हीट रखो उसी हिसाब से आप जल्दी से जल्दी एयर आप कितनी भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर कम रख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर टाइम भी लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पर निकाल लिया है इसे और किसी भी प्रकार का कोई भी डैमेज नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसे आपको पीसीबी को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल पीसीबी में कुछ भी डैमेज नहीं है, न यहाँ पर जो चार्जिंग बेस आते हैं उनमें डैमेज है। तो इन भी पॉइंट्स को आपको क्लीन करना है। मैं इनको क्लीन कर लेता हूँ और पूरा क्लीन हो चुका है। अब इसमें आपको थोड़ी सी पीवीडी डालनी है, इसे डालनी है, यहाँ पर थोड़ी अप्लाई करनी है और इधर भी यहाँ पर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा अप्लाई करोगे तो ये जो छेद है वो उसमें भी वापस से चली जाएगी, इसलिए आपको कम यूज़ करना है और इन छेद को आप सोल्डर वायर की मदद से फिल कर लेना है बाद में जब भी ये दोनों आप सेट कर लो तब। यहाँ पर आप देख सकते हो पांचों जो पॉइंट है वो सही से हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसको जो भी बचा हुआ है उसको आपको क्लीन कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको आयरन को थोड़ा हटा देता हूँ जिससे कि ये जो सोल्ड होगा यहाँ से वो भी ये सोल्ड हो जाएगा। अभी आप देख पा रहे होंगे ये पूरा बोर्ड क्लीन है और यहाँ पर भी ये जो अपना चार्जिंग जेक है उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डर की मदद से इसे यहाँ से सोल्ड कर लेना है। आप जब भी सोल्ड करो यहाँ पर चार्जिंग कनेक्टर के पास में थोड़ा फ्लक्स यहाँ पर डाल देना जिससे कि ये जो पीवीडी होती है वो सही से इनके ऊपर सही से सेट हो जाए। अब आपको इसको सिंपल सा यहाँ पर रखना है। इसको आप चाहो तो SMD से सही कर सकते हो, चाहो तो आयरन की मदद से भी सोल्ड कर सकते हो। मैं SMD की मदद से सोल्ड करता हूँ, फिर भी ये जो चार्जिंग कनेक्टर है वो जलता नहीं है। उसकी वजह मैं यहाँ पर साइड में थोड़ी हीट दूंगा, फिर जैसे ही ये होगा ऑटोमेटिक ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। चाहो तो आप इसके चार्जिंग कनेक्टर के नीचे से भी आप हीट दे सकते हो। ये यहाँ पर सोल्ड हो चुका है आई थिंक, और इसको पीछे से आपको सोल्ड कर लेना है। फिर बाद में आपको आयरन पर थोड़ा सोल्डर वायर लेना है और यहाँ पर इसे फिल कर देना है। देखिए आपके सामने वो ये वही बोर्ड है जिसपे मैंने ये चार्जिंग जैक लगाया है और यहाँ पर मैं इसे अप्लाई करता हूँ और मल्टीमीटर यहाँ पर मैं इसे DC पर सेट कर देता हूँ 20 वोल्ट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वैसे चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पर एक पैर को मैं ग्राउंड करता हूँ और दूसरे को यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर 5 वोल्ट भी ये चार्जिंग जैक आपका बिल्कुल सही से लगा है। जब भी आप चार्जिंग जैक लगाओ जितना जल्दी हो सके इसको सेट करने की कोशिश करो। अगर आपने देरी की तो ये अंदर का जो भी प्लास्टिक का वो जल जाता है जिससे कि आपका जैक सही से नहीं लग पाता है। आप बिल्कुल यहाँ पर क्लियर देख सकते हो कि कुछ भी यहाँ पर डैमेज नहीं हुआ है।
इधर से भी आप देख सकते हो, मैं इसको फोकस कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी पीसीबी पर चार्जिंग जैक लगा सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।